और आपको दिखाएंगे स्मृति ईरानी में किस तरह से राहुल गांधी को मात दी। लेकिन इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर। इस बात की खबर हमने आपको पहले भी दी थी, प्रचंड जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के घर, और इसके साथ ही मुरली मनोहर जोशी से भी वो मुलाकात करेंगे। ये वो दो चेहरे जो बीजेपी के लिए एक नींव की तरह माने जाते हैं, और अमित शाह भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का आंकड़ा कल ही बीजेपी ने अपने दम पर पार किया। यह अपने आप में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक, क्योंकि 2014 के भी मैंडेट से बड़ा मैंडेट इस बार बीजेपी ने हासिल किया, और जीत के बाद आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह, जो कि गांधीनगर से इस बार चुनाव जीते, पहली बार सांसद बने गांधीनगर। लाल कृष्ण आडवाणी की ही सीट 2009-2014 में लाल कृष्ण आडवाणी ने वहां से जीत दर्ज की थी। 5 बार वहां से सांसद रहे आडवाणी, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। और अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, जिनकी पूरी स्ट्रैटेजी के आधार पर बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी ने इस बार सेंध लगाई और कांग्रेस का 17 राज्यों से सुपड़ा साफ कर दिया। अमेठी जैसी जगह से राहुल गांधी हार गए, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए। विशेष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी ने जो काम किया, इन दोनों के समन्वय से आज कमल का फूल अमेठी में खिल पाया है। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूँगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ, ये तंत्र है। और इसीलिए हम कह रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी वो स्मृति ईरानी। बीजेपी पहली बार अपने दम पर 300 के आंकड़े को पार कर गई है, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया स्मृति ईरानी ने ही है। अमेठी में राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी ने हराया। कांटे की टक्कर अमेठी में रही, हालांकि मुकाबले की भविष्यवाणी तो पहले से की जा रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी के अखाड़े में एक फाइटर की तरह डटी रही और राहुल गांधी को हराकर उन्होंने इतिहास रच दिया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता बिताता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता। स्मृति ईरानी ने असंभव को संभव बना दिया, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे महारथी को शिकस्त दे दी, वो भी उनके ही गढ़ अमेठी में। ये चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए स्मृति ने लगातार मेहनत की। 2014 में अमेठी में हार के बाद भी वो विचलित नहीं हुई, लगातार अमेठी के लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रहीं और राहुल की सियासी जमीन खिसका दी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नरेंद्र भाई मोदी को कि उन्होंने सतत 5 साल अमेठी को 2014 में जो विश्वास दिलाया था कि वो बदलाव की भावना से यहाँ पर आए हैं, उनके नेतृत्व में 2,80,000 परिवारों को टॉयलेट्स मिले, 1,50,000 उज्ज्वला परिवार आज अमेठी में हैं, कई गरीबों को जीवन में पहली बार सर पर छत मिली, कई गाँव पुरवा ऐसे हैं जहाँ पर पहली बार बिजली गई, और उससे प्रभावित होकर और विशेष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी ने जो काम किया, इन दोनों के समन्वय से आज कमल का फूल अमेठी में खिल पाया है। अमेठी के अखाड़े में कांटे की टक्कर का अंदाजा तो सियासी नब्ज टटोलने वाले पहले से ही लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी से स्मृति ईरानी अमेठी छीन लेंगी, शायद इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को था। राहुल ने भी अपनी हार मानते हुए स्मृति को बधाई देने में देर नहीं लगाई। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं, ये तंत्र है, और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से
अमेठी की देखभाल करें, जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। राहुल गांधी के हाथों से वो अमेठी निकल गई जिसकी वो पिछले 15 साल से लोकसभा में नुमाइंदगी कर रहे थे, जहां से कभी उनके पिता राजीव गांधी सांसद हुआ करते थे, जहां से कभी उनकी मां सोनिया गांधी सांसद रहीं। बहन प्रियंका का प्रचार भी अमेठी में काम नहीं आया। देखते ही देखते स्मृति ने गांधी परिवार के इस पारंपरिक सीट को कांग्रेस से छीन लिया। स्मृति जी ने बहुत बड़ा काम किया है और पिछली बार हारने के बावजूद जितनी हिम्मत से वो लगी रही, जुटी रही, उन्होंने बहुत बड़ी विजय हासिल की। शायद विकास की चाहत थी जो पूरी नहीं हो पाई वर्षों की परिवार की जिम्मेदारी में, इस कारण से वो हारे। दरअसल बीजेपी की अमेठी सीट पर बहुत पहले से नजर थी, इसीलिए अमेठी की सियासी जमीन पर 2014 में हार के बाद भी न बीजेपी चुप बैठी न स्मृति। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से बीजेपी ने इतना तो समझ लिया कि अमेठी की सियासी जमीन में कमल खिलाना मुश्किल है पर असंभव नहीं। नरेंद्र मोदी पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे चुके थे, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार जरूरी था। इसीलिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं के निशाने पर हमेशा गांधी परिवार रहा। अमेठी में तो चले चबाए थे हिंदुस्तान भी, वरना देखेगा कि दमके की चोट पर ये स्मृति ईरानी राहुल गांधी से कैसे लड़ती है। राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रहकर हम अपनी राष्ट्र नीति को आगे बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संकल्प करना पड़ेगा। कांग्रेस पर बड़ी चोट करने के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पर नजरें टिका दी, बिल्कुल मछली की आंख की तरह, और अमेठी को साधने के लिए स्मृति ईरानी जैसे आक्रामक योद्धा को आगे कर दिया। स्मृति ईरानी ने भी अमेठी को ठीक उसी तरह साधा जैसे महाभारत में स्वयंवर जीतने के लिए अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था। अमेठी ने अपना फैसला सुना दिया है, स्मृति को अगले 5 साल के लिए अपना भाग्य विधाता चुन लिया है। अब स्मृति के कंधों पर अमेठी के लोगों की उन इच्छाओं और उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी है जो राहुल गांधी के सांसद रहते पूरी नहीं हुई। मौसमी सिंह के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी आज तक। अमेठी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। अमेठी में स्मृति ईरानी की तूफानी जीत उनकी 5 साल की मेहनत का नतीजा रही। 2014 में अमेठी में हार के बाद भी स्मृति ने हार नहीं मानी और लगातार वहां के लोगों का दिल जीतने में वो लगी रही, उनके सुख दुख में हिस्सा लेती रही और अमेठी के लोगों ने भी चुनाव में ईवीएम दबाकर स्मृति के अगले 5 साल के लिए अपना भाग्य विधाता उन्हें चुन लिया। ये तस्वीरें इसी साल की हैं, अमेठी की हैं, जब खेतों में आग लगी तो चुनाव प्रचार छोड़कर स्मृति ईरानी आग बुझाने में जुट गई। केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति कभी आग बुझाने के लिए हैंडपंप का हैंडल चलाती तो कभी बाल्टी लेकर दौड़ती। स्मृति का ये अंदाज अमेठी के लोगों को खूब भाया। उन्होंने अमेठी के लोगों को भरोसा दिया कि उनके हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेंगी। ये मानवता का काम है, इसमें हम राजनीति को ना घसीटे। उससे उम्मीद तो अमेठी की जनता को वैसे ही नहीं थी। आज कम से कम एक दूसरे को सहारा देकर कठिनाई से, संघर्ष से समाधान की ओर पहुंचे। अमेठी में स्मृति ईरानी का ये सिलसिला शुरू हुआ 2014 में, जब बीजेपी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। अमेठी के कच्चे पक्के रास्तों पर स्मृति ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त नहीं दे पाई। अमेठी में 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले तो स्मृति ईरानी को 3,07,47 वोट। जीत का अंतर रहा करीब 1,07,000 वोटों का। वहीं 2009 में राहुल की जीत का अंतर था करीब 3.5 लाख वोटों का। 2014 के नतीजों से स्मृति के दिमाग में एक बात साफ हो गई कि अमेठी में राहुल गांधी को हराना असंभव नहीं है।
नेता की नियत में खोट ना हो तो 5 या 10 वर्ष पर्याप्त है विकास का काम करने के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि जब लोग यहाँ से मुझे सांसद चुनकर देश की संसद में भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे, तब इन लोगों के मध्य में रहकर आज तक जो 60 सालों में उपेक्षा हुई है उसे अपेक्षा में बदलने के लिए, विकास में बदलने के लिए आगामी जो 60 महीने हैं उस 60 महीनों में अमेठी की जनता मुझे उनके मध्य में पाएगी। अमेठी के खेत खलिहानों में घूमते घूमते स्मृति ये तो समझ गई कि यहाँ के लोगों के मन में कौन सा तूफान चल रहा है, अमेठी के लोग क्या चाहते हैं, उनके दिलों को कैसे जीता जा सकता है। इसीलिए चुनाव में हार के बाद भी स्मृति लगातार अमेठी के आंगन में जाती रहीं, वहाँ के लोगों के दुख दर्द में मरहम लगाती रहीं। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी में सामर्थ्य नहीं था कि खाद की एक रैक आपको दिलवा दे? सामर्थ्य था, लेकिन जानबूझ के अमेठी के गरीब किसान परिवारों को विकास से दूर रखा गया ताकि अमेठी का किसान जीवन भर उनके सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाता रहे। स्मृति कभी अमेठी की गरीब महिलाओं के बीच साड़ी बांटती, कभी ठंड से कांपते लोगों के बीच कंबल, तो कभी स्कूली बच्चों के लिए जूते। वक्त का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था, स्मृति धीरे धीरे अमेठी के लोगों के दिल में जगह बनाती जा रही थी तो राहुल की सियासी जमीन खिसकती जा रही थी। अमेठी में जूता बांटने का मुद्दा 2019 के प्रचार युद्ध में भी उठा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जूतों के बहाने स्मृति पर अमेठी के लोगों के अपमान का आरोप जड़ दिया। कभी जूतों का वितरण करती है, कभी कभी साड़ी का वितरण करती है। यहाँ की जनता में बहुत गर्व है, बहुत स्वाभिमान है। यहाँ की जनता कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं है, किसी के सामने जनता ने भीख नहीं मांगी। जो आता है उसको सम्मान और आदर करना चाहिए। बात अमेठी में उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने को जूता नहीं था, तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। कांग्रेस के आरोपों से स्मृति कभी विचलित नहीं हुई, कांग्रेस की ओर से आते तीखे तीरों का करारा जवाब दिया। 2014 के बाद से राहुल गांधी अमेठी में सांसद होते हुए भी सिर्फ 17 बार गए, तो स्मृति चुनाव हारने और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद 21 बार पहुंची। अमेठी के लोगों को भरोसा देती रहीं कि हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहेंगी। 2019 के रण में स्मृति ने अमेठी की जंग को नामदार बनाम कामदार में बदल दिया। वो लोग जिन्होंने 15 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी अमेठी के परिवारों को विकास से वंचित रखा, आज उन लोगों की समझ में आया है। स्मृति ईरानी ने एक फाइटर की तरह अमेठी में राहुल गांधी की बाजी पलट दी। स्मृति आज जिस मुकाम पर खड़ी हैं, उन्होंने ये एक दिन में हासिल नहीं किया है। सारी बंदिशों को तोड़ते हुए स्मृति ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल में तुलसी वीरानी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों पर राज करने लगी। वक्त के साथ तुलसी वीरानी का भी किरदार बदलता गया, सीरियल से सियासत में आ गई। 2003 में बीजेपी में शामिल हुई, 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से किस्मत आजमाया लेकिन चुनाव हार गई, लेकिन पूरी लगन के साथ कमल खिलाने में जुटी रही। 2011 में बीजेपी ने स्मृति को राज्यसभा भेजा, कई अहम जिम्मेदारी सौंपी और 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी के रण में उतार दिया। तब भले ही स्मृति चुनाव हार गईं, लेकिन हार से कभी विचलित नहीं हुई, कर्म पथ पर आगे बढ़ती रहीं। जिंदगी में जो भी किरदार मिला उसे पूरी शिद्दत से निभाया। मौसमी सिंह के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी आज तक। बीजेपी की जीत में जो अमेठी में स्मृति ईरानी ने कर दिखाया है उसे हमेशा याद जरूर किया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।